ओके हेलो टू एवरीवन, आई एम अनूप दुबे एंड वेलकम टू ओम क्लास मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस इंस्टीट्यूट में जनरली सैनिक स्कूल जॉइन होने वजह से मतलब CHS इत्यादि की प्रिपरेशन होती है, किंतु नाइन्थ क्लास की प्रिपरेशन भी चल रही है। और नाइन्थ का एक क्वेश्चन है क्लास एक्टिविटी। देखो, मैथमेटिक्स वाकई जो है बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, बट यदि आप उसके कुछ एक्टिविटी यदि आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगी। जैसे देखिए, NCERT ने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे क्लास एक्टिविटी, कैंडली यहाँ पे फोकस किया जाए। ये क्लास एक्टिविटी है कि आप जो है एक आप एक्टिविटी करें, और एक्टिविटी में दिया गया स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये एक्सरसाइज आपका क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने पूरा बनाया है, आप लोग देखिएगा। पहले ये बात समझिए, स्क्वायर रूट स्पाइरल होता क्या, स्पाइरल क्या होता है। स्पाइरल आप लोग देखते होंगे, कोई चीज जो गोल गोल चले उसे हम लोग स्पाइरल कहते हैं। वो स्पाइरल होता है जो गोल गोल चलता है, एंडिंग उसका जल्दी नहीं मिलता है, वो आगे बढ़ते ही जाता है। जैसे आपने स्नेल देखा होगा, ये नेचर में मिलने वाला चीज है। स्नेल एक छोटे से पॉइंट से शुरू होता है और गोल 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 पूरा ऐसे घूमते जाता है। और इसका आप लोग भी घर में प्रयोग करते होंगे, जाते होंगे चाट समोसा खाने के लिए तो जलेबी मिलता होगा एकदम गोल गोल। सो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो स्पाइरल जो होता है ये क्लियर हो गया। अब स्क्वायर रूट, ऐसा कोई तो स्टूडेंट है जिसको स्क्वायर रूट नहीं पता है? यदि नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जरूर बताऊंगा स्क्वायर रूट होता क्या है। और अपने वीडियो को लिंक मैं पोस्ट भी कर दूंगा आपके लिए, स्पेशल आपके लिए यदि आपको नहीं पता है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले से मैंने बना के रखा है, समझाने के लिए मैंने आपको लिया यहाँ पे। देखिए सबसे पहले बनाएंगे कैसे, देखिए पहले कितना नीट एंड क्लीन है। और ये इसको करने में सबसे ज्यादा हेल्प जो है वो सिमोली कुमारी का है। और आप लोग जो है जरूर एक बार आप लोग ही बताइएगा कि आपके क्लास, यदि आप नाइन्थ के अबव है तो क्या आपके क्लास टीचर ने या सब्जेक्ट टीचर ने, मैथमेटिक्स टीचर ने ऐसी कोई एक्टिविटी कराई है क्या, कराई है तो कैसा रहा है। देखिए बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप जो है एक एक सेंटीमीटर का, एक यूनिट का, मैंने यूनिट लिया है सेंटीमीटर नहीं लिया है, एक यूनिट का यहाँ पे आप लेंगे। एक यूनिट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मैंने लिया है, हमने एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचा और दूसरा एक और 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, क्लियर हो गया। उसके बाद से यह लाइन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से यह लाइन खुद ही रूट टू हो जाएगा। आप तो निकाल सकते हैं वन यूनिट, सो इट विल बी रूट टू, यह रूट टू हो जाएगा। और इसको आप P1, इसको P2 कर देंगे। ऐसे ही मैंने फिर 1 यूनिट बढ़ा दिया तो यह जो हो जाएगा आपका रूट 3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम है जनरली, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो एंगल बनाना है यू हैव टू मेक एट द राइट एंगल, कन्फर्म जो है आपका कितना होना चाहिए, आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। आई कैंडली इस पर फोकस कीजिएगा, हमारे कैमरा मैन जो है एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग करते रहेगा आप लोग। आइए फिर यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री का एंगल ही बनाना है, राइट एंगल होना चाहिए, और यह जो है आपका रूट 3 बन जाएगा। और यह फिर 1 यूनिट लेंगे आप, यह आपका रूट 4 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यह आपका 1 यूनिट मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो यह रूट 4 इक्वल टू 2 यूनिट हो जाएगा, एंड इट विल बी डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर होगा, एकदम कन्फर्म कहेंगे तो आप लोग को नाप के दिखा दूंगा मैं। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से थोड़ा सा फोकस किया जाए कैमरा के द्वारा, देखिए यह जो है आपका 5 सेंटीमीटर अप्रोक्स है, अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, और यह जो है आपका देखिए अप्रोक्स आपका 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर आ गया। रूट 4 का वैल्यू होता है 2 होता है, तो अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर मतलब 2 यूनिट के अप्रोक्स हो गया। ऐसे ही बनाएंगे, और यह देखिए एक स्पाइरल बनते जा रहा है, स्पाइरल और आगे खींचेंगे तो ऐसे गोल 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 पूरा चक्के चलता रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी बनाइए इस तरह के, और एक्टिविटी मैथ में आप जितने ज्यादा एक्टिविटी बनाएंगे उतने ज्यादा आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस उसको अच्छे पढ़ाने वाले टीचर चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की एक्टिविटी देखने के लिए, सीखने के लिए आप मेरे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो क्लास नाइन्थ के लिए अभी मैंने शुरू किया है, सिर्फ और सिर्फ क्लास नाइन्थ के लिए, वो है 4 to 5 o'clock इवनिंग में, 4 to 5 o'clock इवनिंग में, ध्यान रखिएगा। बाकी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्लास को शुरू हो चुका है और दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है 2 से 3 दिन में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।